दाहिना अंगूठा सीधा करते, शार्जनी को मोड़ लिया अंगूठे के मूल में। अब ये वायु मुद्रा, अब ये अनामिका और मध्यमा, ये दोनों बाएं नाक पर अंगूठा, दाहिना अंगूठा दाहिने नाक पर रखिए। आपको ऐसे करो, आप दाहिने हाथ का उनको देखते रहो, दाहिना हाथ वही है, दाहिना जिस नाक से खाना खाती है। और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरना है। इसे ऐसे करना, अब सांस बायां से भर के और बायां को बंद कर लीजिए, सांस अंदर है, दाहिना हटा करके दाहिना को छोड़ दीजिए, फिर दाहिना को भर लीजिए। अब दाहिना बंद करके अपनी बाएं को छोड़िए, अपनी बाएं से भर लीजिए। अब बाया बात करिए, दाया को करीब सीधा कर दिए बाबू ना, वो इसका कमर दर्द है का आपको, ये सीधा बैठे उसको। अब आंख बंद करके दो मिनट का अभ्यास करिए, इसका सीधा आते बंद। और यह अनुलोम विलोम की क्रिया हमारे भीतर बाया नाक है चंद्र स्वर, दाहिना है सूर्य स्वर। चंद्रमा का मतलब होता है शीतल, सूर्य का मतलब होता है गर्म। स्वर से और दाएं स्वर से जब श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो इड़ा और इड़ला जागृत होने से मेरुदंड में अवस्थित सुषुम्ना नाड़ी को धीरे धीरे हम प्राण वायु को प्रवेश करा करके जगाने का प्रयत्न करते हैं। मदे सब करके आ रहा है, धीरे धीरे सांसों को लेना, धीरे धीरे सांसों को छोड़ना। आंख बंद करिए आप लोग और ध्यान लगाइए सांसों पे, कैसे सांस अंदर जा रहा है। जब आंख बंद हो तो अपने भीतर के विकारों को याद करिए कि हमने कल किसको गाली दिया, कल हमने किसको डांटा, कल हमने किसका बात नहीं माना, कल हमने जो होमवर्क मिला उसको कितना याद किया, कितना नहीं याद किया, कितना भूल गए। यानी अपने भीतर के विकारों को बाहर करना और सदा सकारात्मक भावों के साथ जुड़ करके अपने भीतर के ताकत को, एनर्जी को निम्न चेतना से उच्च चेतना की तरफ प्रवाहित करते हैं, ऊर्ध्वगामी करते हैं। अब धीरे धीरे सांसों को ले लीजिए।